इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर चंदा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना क्या बीजेपी ने धंधा बना लिया है? किस मुंह से चंदा मांग रहे हैं भाजपा? इस शिलान्यास से लेकर अब तक के चंदे का हिसाब दे। तो राम मंदिर के चंदे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कहा कि अब तक के चंदे का हिसाब दे, शिलान्यास से लेकर अब तक जितना भी चंदा आया था पहले उसका हिसाब दे। पहले तो ये बताया जो पहले शिला पूजन किए थे और पैसा ले गए थे उसका हिसाब क्या है? मतलब ये धंधा ही बना लिए क्या? पहले जब शिला पूजन किए थे 82 के बाद, और बेनबे में वो सब किए थे, शिला पूजन किए थे, पैसा इकट्ठा किए थे, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, उसका हिसाब क्या है? भाजपा वालों को ये जवाब देना चाहिए, वो पैसा उपयोग क्या हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ देश भर में, कितने ईंट इकट्ठा हुए पूरे देश भर में, और कितने खर्च, उसके हिसाब क्या है वो उस... और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संस्था वैभव शिवपांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, चंदा इकट्ठा करने को लेकर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है और बीजेपी पर तमाम सारे आरोप लगा रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना भूचाल आया हुआ है, कितना असर यहाँ पर पड़ रहा है और आरोप प्रत्यारोप अब तक इस मामले पर कितने सामने आ चुके हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान आया है, निश्चित तौर पे इससे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक नया बहस शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर और एकदम करारा हमला बीजेपी के ऊपर बोला है। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी चंदे के नाम पर धंधा कर रही है। भाजपा वाले पहले ये बताए कि किस मुंह से वो चंदा मांग रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो 92 में शिला पूजन हुआ था और उसके बाद से लेकर के अब तक जितने भी चंदे इकट्ठे किए गए हैं, पहले उसका हिसाब दे दे, फिर वो चंदा मांगने के लिए आए। तो जाहिर तौर पर उन्होंने एक नया जो है मुद्दा छेड़ दिया है और इसे लेकर के राजनीति गरमाना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर के तो आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिलेगा ही। मुझे लग रहा है कि देश में भी इसे लेकर के एक बड़ा विवाद खड़ा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से यह बयान नहीं आया बल्कि राज्य सरकार की तरफ से इस बयान को देखा जाएगा। राज्य सरकार के मुखिया ने जो ये बयान दिया है उससे एक नया विवाद पैदा होना लाजमी है। और छत्तीसगढ़ में तो पिछले कुछ दिनों से जो राम मंदिर के चंदा को लेकर के जो बयान बीजेपी की तरफ से आए थे, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि राज्य सरकार को 101 करोड़ रुपए का चंदा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया जाना चाहिए, तब से ही इसे लेकर के बहस की शुरुआत हो चुकी है। टीएस सिंहदेव का बयान आया था, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है, निश्चित तौर पे इसे राजनीति गरमाने वाली है। एक और जो बात मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने बीजेपी पर एक और करारा हमला बोला और कहा कि बीजेपी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताती है, हिंदुओं का हितैषी बताती है, तो पहले ये बता दे कि उन्होंने किस हिंदुओं का जो है, किन हिंदुओं के लिए काम किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि गरीब मजदूर तबके के लोग क्या हिंदू नहीं है, किसान तबके के लोग क्या हिंदू नहीं है, कुम्हार और लोहार तबके के लोग क्या हिंदू नहीं है, बुनकर क्या हिंदू नहीं है, क्या इनके लिए कभी बीजेपी ने कुछ किया है? ये एक तरीके से एक नया सवाल भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खड़ा कर दिया है और इसका जवाब बीजेपी की तरफ से फिलहाल तो नहीं आया है, जवाब किस रूप में आ रहा है ये देखना होगा। जी, लेकिन आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि राज्य सरकार के मुखिया की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट आया है, तो इस लिहाज से भी अगर समझ लिया जाए तो विपक्ष की भूमिका निभाने वाली बीजेपी के जो खास नुमाइंदे हैं, क्या उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन प्रतिक्रिया आना लाजमी है। मुझे लग रहा है इस मामले में बीजेपी के तमाम बड़े नेता निश्चित तौर पर राज्य सरकार पर और कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए तैयार बैठे होंगे।
विष्णु देसाय जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस पर कुछ बोलना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक वो भी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और प्रतिक्रिया देना चाहेंगे बृजमोहन अग्रवाल जिन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि 101 करोड़ का चंदा राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान देके पूरे माहौल को गरमाने की कोशिश की है उससे बीजेपी के तरफ से पलटवार जरूर होगा और तमाम जो नेता जो हैं वो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री पर कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए उतारू होंगे। उनकी प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आएगी लेकिन प्रतिक्रिया आएगी तो काफी तीखी प्रतिक्रिया आएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और ये मुद्दा सिर्फ आज खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये मुद्दा आगे भी चलते रहेगा। और चूंकि राम मंदिर निर्माण का जो सिलसिला चल रहा है, अयोध्या में जिसकी चर्चा होती है, जिसकी चर्चा दिल्ली में होती है, अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री का बयान आया तो ये चर्चा काफी और तेज हो जाएगी। और एक और बात, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि राम बीजेपी वालों की बपौती नहीं है, भगवान राम जो है जन जन के जो है प्रतीक है, जन आस्था के प्रतीक है और छत्तीसगढ़ में तो वो संस्कृति के प्रतीक है, वो राम के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा भूपेश बघेल ने कि राम के सबसे बड़े भक्त अगर कोई थे तो वो महात्मा गांधी थे जिनके मुख से मरते वक्त भी जो है हे राम का शब्द निकला था, तो वो किस राम की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में राम को संस्कृति के नायक के तौर पर पूजा जाता है और उन्होंने ये भी कहा कि चंदखुरी में जो आयोजन होने वाला है 17 दिसंबर को एक बड़ा जलसा होगा, अयोध्या में जिस रूप में वो राजनीति करते होंगे राम के नाम पर, लेकिन छत्तीसगढ़ में संस्कृति को लेकर के राम की पूजा होती है और हम उसी आधार पे जो है कार्यक्रम करते हैं, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है बल्कि इसमें समाज के सभी तबकों के लोगों का जुड़ाव होता है। तो आप पूरे इस भूपेश बघेल के अगर बयान को समझने की कोशिश करेंगे तो उससे एक साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश है देश की राजनीति में कि जिस राम के सहारे बीजेपी अभी तक आगे बढ़ती रही है या उसके नाम पे राजनीति करती रही है या उसे सियासी तौर पर भुनाते रही है, वही राम छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर भले ही हो लेकिन वो एक राजनीतिक केंद्र तौर पर भी जो है उभर कर सामने आ रहे हैं और उस राम के आश्रय मुझे लग रहा है देश में एक अलग राजनीतिक जो है माहौल पैदा करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी कि ये कितना मुद्दा आगे भुन पाता है और आगे किस स्तर तक ये जा पाता है। वैभव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास वापस आ रहे हैं। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया और उन्होंने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है और कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है। 8 तारीख को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, हमारी पार्टी की ओर से भी इस बंद का समर्थन है। 8 तारीख को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, हमारी पार्टी की ओर से भी इस। और लगातार हमारे साथ वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, किसानों के भारत बंद का सीएम ने समर्थन किया है, किस अंदाज में उन्होंने समर्थन किया है और आगामी वक्त में अगर किसान का जो विरोध है वो और जो स्वर है वो अगर बढ़ते जाते हैं तो किस तरीके से और समर्थन देने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं? देखिए, देश भर में जो केंद्रीय कृषि कानून को लेकर के किसानों का आंदोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो तमाम किसान संगठन के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल केंद्र सरकार का पुतला दहन यहाँ पे किया गया था। अब जो 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है उसका खुलकर जो है समर्थन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है कि हम भारत बंद का जो है समर्थन करते हैं, तो इससे ये चीज भी साफ हो गई है कि राज्य सरकार भी जो है कहीं ना कहीं किसानों के इस मुद्दे के साथ, इस आंदोलन के साथ में है और बीजेपी सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस उस माहौल में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है और
अब मुझे लग रहा है कि जब 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान पूरे देश में किया गया है तो छत्तीसगढ़ में भी उस बंद का व्यापक असर नजर आने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर के जो पूरे देश भर में माहौल है, छत्तीसगढ़ में जब इस कानून को लागू कराने की कोशिशें हुई थी तब सरकार ने कह दिया था कि हम इसे लागू नहीं करेंगे और एक विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का, एक विशेष सत्र, और उसमें विधेयक लाकर इस कानून के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इस कानून के विरोध में तो पहले से ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार रही है। अब जब किसानों का आंदोलन काफी बड़ा होते जा रहा है और उसे लेकर के देश भर में एक व्यापक जन माहौल बनते जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन के साथ खुलकर खड़ी हुई नजर आ रही है और उसी के तहत ही आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वैभव। बिजली के